को मिले जिनसे पूछताछ की गई तो उनके जांघ पे गोली का निशान था और उसको इलाज के लिए बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है सदर अस्पताल। सदर अस्पताल से फिर वो बेगूसराय में इलाजरत हैं। दोषी पर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं गिरफ्तारी के लिए। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के खगड़िया जिले से निकलकर सामने आ रही है, जहां वार्ड सदस्य के पति को गोली मार दी गई है। आपको बताते चले कि बेखौफ बदमाश पहले आते हैं, पहले धमकी देते हैं, उसके बाद गोली मार कर हथियार लहराते हुए वहां से चलते बनते हैं। आपको बताते चले कि खगड़िया जिले के मानसी थाना इलाके के बख्तियारपुर गांव में आज बेखौफ बदमाश ने घर पर धावा बोलकर एक वार्ड सदस्य के पति को गोली मार दी है, जिससे 60 साल के पटवारी साह घायल हो गए हैं। जख्मी को उपचार के लिए सदर अस्पताल लाया गया है, जहां प्राथमिकी उपचार के बाद जख्मी को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं संलिप्त बदमाश राजकिशोर शाह का हथियार लहराते हुए वीडियो भी देखा गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आरोपी किस तरीके से हथियार का भय दिखा रहे हैं। भय दिखाने के दौरान ही गोली मार दी। हालांकि मानसी थाना अध्यक्ष नीलेश कुमार ने कहा है कि रुपए के लेन देन के विवाद में घटना हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी राजकिशोर शाह फरार है। वही नीलेश कुमार जो मानसी थाना अध्यक्ष है, उनका क्या कुछ कहना है, उनकी आपको पहले पूरी बातों को सुनवाते हैं। आज दिनांक 26/8/23 को समय करीब 6:15 बजे सूचना प्राप्त हुई कि मानसी थाना अंतर्गत ग्राम बख्तियारपुर में पटवारी शाह उम्र 60 वर्ष को पैसा लेन देन को लेकर मांगने को लेकर उनके ही गांव के राजकिशोर शाह के द्वारा जांग में गोली मार दी गई है। इसके सूचना सत्यापन के लिए करीब 6:30 बजे रास्ते में ही हम लोग को मिले जिनसे पूछताछ की गई तो उनके जांघ पे गोली का निशान था और उसको इलाज के लिए बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है सदर अस्पताल। सदर अस्पताल से फिर वो बेगूसराय में इलाजरत हैं। दोषी पर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं गिरफ्तारी के लिए। साथ चाचा के जख्मी होने पर घर वाले क्या कुछ बोल रहे हैं, भतीजा क्या कुछ बोल रहा है, हम आपको उसकी भी पूरी बातों को सुनवाते हैं। क्या नाम था इनका? पटवारी साहब। घर बख्तियारपुर। क्या घटना हुआ था? घटना हुआ था, रुपया लिया था वो 50,000 रुपये। हाँ, और उसके बाद 5-7 साल मांगने के बाद वो पैसा नहीं दिया, सुबह गोली लगा दी। कौन मारा गोली? राजकिशोर साहब। क्या गोली मारा? एक गोली। आपका कौन है वो? चचा। चचा है। क्या नाम था? पटवारी साहब। आपका क्या नाम है? पटवारी साहब। तो पहले से भी पैसा कौन लिया था? पहले राजकिशोर के दिया था। हाँ, पटवारी साहब। हाँ, उसके बाद रुपया 5-7 साल हो गया था। हाँ, वो मांगने के बाद सुबह गोली दे दिया। पैसा मंगा तो गोली मार दिया। तो आपने देखा किस तरीके से दिन दहाड़े बेखौफ बदमाश पहले घर पर आते हैं और धमकी देते हैं और फिर उसके बाद गोली मारकर फरार हो जाते हैं। आपको बता दे चले कि आरोपी गोली मारने के बाद हथियार लहराते हुए वहां से फरार चल जा चुका है और पुलिस जो है वो लगातार छानबीन में जुटी हुई है, उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अनेक खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर्मेशन।